स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 फीस्ट ऑफ द डेड का पार्ट 2। अभी तक हमने फीस्ट ऑफ द डेड का पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, मृतक का भोजन या मृतक की दावत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इट वॉज द ओल्डर बॉय, ये बड़ा लड़का था। हु, जो फर्स्ट हर्ड इट, जिसने पहले आवाज सुनी, यानी जो टोकरियों की आवाज सुनाई दी थी, तो ये आवाज सबसे पहले बड़े वाले लड़के को सुनाई दी। दो बच्चे थे, एक 9 वर्ष का और एक 6 वर्ष का, यानी उस 9 वर्ष के बच्चे को पहले आवाज सुनाई दी। एंड लुक्ड टुवर्ड हिज यंगर ब्रदर, जैसे ही उसको आवाज सुनाई दी, एंड और लुक्ड यानी देखा, टुवर्ड यानी की तरफ, यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई की ओर, उसने फिर अपने छोटे भाई की तरफ देखा। जैसे ही बड़े लड़के को उन टोकरियों की आवाज सुनाई दी, तो फिर उसने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम, गुलनाज भी उस ठंडे कमरे में खड़ी हुई। गॉट अप, कोल्ड यानी ठंडा। गुलनाज भी फिर उस ठंडे कमरे में खड़ी हुई। एंड और पुट यानी रखा, ए रेफ, रेफ यानी लपेटना, राउंड हर टू गो आउट, और फिर उसने अपने चारों ओर एक लपेटने वाले कपड़े को रखा। सी हेड डिसाइडेड, फिर उसने निर्णय लिया, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, फिर गुलनाज ने ये निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया था, टू आस्क फॉर 2 लोज ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी ऋण या उधार, ब्रेड यानी पाव। फिर उसने ये निर्णय लिया कि वे उधार में पाव के 2 रोटियों के लिए पूछेगी, यानी फिर गुलनाज ने ये निर्णय लिया कि मैं 2 पावों को उधार में लेने के लिए पूछूंगी, यानी उस ब्रेडमैन से पूछूंगी क्या वो मुझे उधार में 2 पाव दे सकता है, ऐसा उसने निर्णय लिया था। सी कुड पे वेन सी गेट मनी फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, सी कुड पे, वे भुगतान कर देगी, वेन सी गोट मनी, जब उसे पैसे मिलेंगे, यानी और मैं भुगतान कर दूंगी जब मुझे पैसे मिलेंगे, फ्रॉम लॉन्ड्रिंग यानी कपड़े धोने से, जब मुझे कपड़े धोने से पैसे मिलेंगे तो मैं भुगतान कर दूंगी, ऐसा अब वो अपने मन में सोच रही थी और उसने निर्णय लिया था। सी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, सी यानी गुलनाज, यानी गुलनाज ने दरवाजा खोला। एंड सा, और देखा, द बास्केट्स फुल ऑफ द ब्रिम विथ फ्रेश इसोंजी व्हाइट ब्रेड, और फिर उस गुलनाज ने देखा कि सफेद पावों से भरी हुई वे टोकरियां जो स्वच्छ स्पॉन्जी से चमक रही थी। ए ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, और बहुत ही खूबसूरत सुगंध उसके नाक तक पहुंची। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, स्मेल सुगंध, और बहुत ही खूबसूरत सुगंध उसके नाक तक पहुंची। एंड जस्ट एज सी वाज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन, एंड और जस्ट एज, और जैसे ही, सी वॉज अबाउट टू से, और जैसे ही वे कुछ कहने लगी, समथिंग टू ब्रेड मैन, उस पाव वाले व्यक्ति से, यानी जैसे ही जो पावों को बेच रहा था उस व्यक्ति से, जैसे ही गुलनाज कुछ कहने लगी, ही शाउटेड, ही यानी वह पुरुष अर्थात वो ब्रेड मैन, तो वे पावों को बेचने वाला व्यक्ति शाउटेड यानी चिल्लाया। गिडियफ, मूर्ख जानवर, गिडी यानी मूर्ख और यफ यानी जानवर, मूर्ख जानवर, गिडियफ, तो उसने क्या, वो क्या चिल्लाया, मूर्ख जानवर। गुलनाज ने जैसे ही, अब गुलनाज बोलने वाली थी यानी उससे कुछ कहने वाली थी, तभी वो व्यक्ति चिल्लाया, मूर्ख जानवर, टू द हॉर्स, घोड़े पर, यानी उसने घोड़े से कहा था।
एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर कोर्स, कोर्स यानी साहस या हिम्मत, और लॉस्ट यानी खोना, और गुलनाज अपनी सारी हिम्मत खो दी। जैसे उसने अपने घोड़े से कहा मूर्ख जानवर, तो गुलनाज ने अपनी सारी हिम्मत खो दी उधार में पांवों को लेने की। जो वो सोच रही थी, जो उसने निर्णय लिया था कि मैं उधार लेने के बारे में इसे पूछूंगी, लेकिन जैसे उसने कहा मूर्ख जानवर, तो जो उधार लेने के बारे में जो वो सोच रही थी, वो सारी हिम्मत गुलनाज ने खो दी। नो वर्ड केम फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं आया, अर्थात वो कोई शब्द नहीं बोले पाई। एंड हेवली स्मेलिंग फूड पास बाय हर हाउस, और बहुत ही सुगंधित वाला भोजन उसके घर से निकले गया। बट लेकिन शी कुड नॉट स्टेंस आउट हर हैंड एंड टेक इट, लेकिन वो हाथ आगे बढ़ा करके इसे ले नहीं पाई। उसके घर के पास से बहुत ही सुगंधित वाला भोजन निकल गया, लेकिन वो हाथ आगे बढ़ा करके इसे ले नहीं पाई। शी केम इनसाइड बट डिड नॉट डेयर लुक इन टू द फेवरेट आईज ऑफ हर सन्स। शी केम इनसाइड, वे अंदर आई। अब गुलनाज वापस अपने कक्ष में आई। बट लेकिन डिड नॉट डेयर लुक इन टू द फेवरेट आईज ऑफ हर सन्स, लेकिन अपने पुत्रों की तरसती हुई आंखों में देख नहीं पाई। वो अंदर आ गई थी, लेकिन उनके बेटों की दोनों आंखें तरस रही थी, और उन तरसती हुई आंखों में गुलनाज देख नहीं पाई। वेंटिंग होपफुली, जो आशापूर्ण प्रतीक्षा कर रहे थे, होपफुली यानी आशापूर्ण, जो कि आशापूर्ण है, वेटिंग यानी प्रतीक्षा या इंतजार कर रहे थे। बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद माताजी कुछ खाने को लेकर के आएगी। नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन इन द रूम, उस कक्ष में एक शब्द नहीं बोला गया, अर्थात उस कक्ष में एक शब्द नहीं बोला गया, ना तो कुछ बच्चे बोले और ना ही कुछ गुलनाज ने कहा। द बॉयज सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स, बच्चों ने केवल उसके खाली हाथों की तरफ देखा। एंड टर्न्ड देयर आईज अवे, और अपनी निगाहों को फेर लिया। जैसे ही बच्चों ने गुलनाज के खाली हाथों को देखा, उन्होंने यानी उन दोनों बच्चों ने अपनी निगाहों को, अपनी आंखों को फेर लिया। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम लेटर, काफी लंबे समय के बाद, डेट द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस। साइलेंस यानी शांति या चुप्पी, और ब्रोक यानी तोड़ा, और यंगर यानी छोटा। काफी समय के बाद छोटे लड़के ने उस चुप्पी को, या जो शांति कमरे में थी, उस शांति को तोड़ा, यानी जो शांति छा गई थी, जो चुप्पी छाई हुई थी कमरे में, उस चुप्पी को छोटा बच्चा हुआ तोड़ते हुए बोला। और क्या बोला था वो, मदर, माताजी, आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर, माताजी मैं अब और इसे सहन नहीं कर सकता। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड माई टमी, टमी यानी पेट, हैपनिंग यानी घटित होना, इनसाइड यानी के अंदर, और समथिंग यानी कुछ, मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है, छोटा बच्चा बोल रहा है, 6 वर्ष का था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो अब वो कह रहा, माताजी मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है, इसे मैं और सहन नहीं कर सकता। तो माताजी क्या बोल रही है, गुलनाज डोंट वरी माय स्वीट सन, मेरे अच्छे बच्चे चिंता ना करें, इट इज हंगर, ये भूख है, यानी जो तुम्हारे पेट में जो हलचल हो रही है वो क्या है, भूख है। आई फील इट टू, इसे मैं भी महसूस कर सकती हूं, यानी जैसा तुम्हारे पेट में हो रहा है वैसा मेरे पेट में भी हो रहा है, और ये भूख है मेरे अच्छे बच्चे। तो वो छोटा बच्चा आगे क्या बोल रहा है, आई एम डाइंग, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। जैसे ये बात बोली थी उस छोटे बच्चे ने कि मैं मर रहा हूं, द ओल्डर बॉय ओपन्ड हिज आईज, बड़े वाले बच्चे ने अपनी आंखें खोली। एंड लुक्ड एट हिज ब्रोदर, और अपने भाई की तरफ देखा। जैसे ये बात बोली तो बड़े वाले बच्चे ने आंखें खोली और छोटे भाई की तरफ देखा।
देखा। गुलनाज लुक एट बोथ ऑफ देम, बोथ यानी दोनों, गुलनाज उन दोनों को देख रही थी, गुलनाज तो दोनों बच्चों को देख रही थी। द लिटिल बॉय वाज साइलेंट, अब छोटे वाला बच्चा शांत था, अब वापस वो छोटा बच्चा शांत हो गया था। हिज फेस वाज डार्कर, उसका चेहरा हल्का काला पड़ गया था। हिज लिप्स ड्राई एंड फास्ट, उसके होठ सूख गए थे। हिज ब्लेडलेस स्किन फेडेड एंड होलो, ब्लेडलेस यानी रक्तहीन, स्किन यानी त्वचा, फेडेड यानी झांकना, होलो यानी छिछला, और उसकी रक्तहीन त्वचा जो जगह जगह से झांक रही थी और जो बहुत ही ज्यादा छिछली सी हो गई थी। फाइनली आखिरकार गुलनाज बिकेंड यानी इशारा किया, गुलनाज बिकेंड टू द ओल्डर बॉय, आखिरकार गुलनाज ने बड़े लड़के को इशारा किया, बोली नहीं थी गुलनाज, केवल गुलनाज ने इशारा किया। एंड दे लेफ्ट द रूम, और फिर उन्होंने अपने कक्ष को छोड़ा, अर्थात गुलनाज और बड़े लड़के, जो बड़ा लड़का था, वे दोनों उस कमरे से बाहर आ गए। टू टॉक आउटसाइड, बाहर बात करने के लिए, अब वो दोनों उस कमरे से बाहर आ गए थे बात करने के लिए, ताकि जो भी बात कर रहे हैं वो छोटे बच्चे तक ना पहुंचे। अब बाहर आ गए और अब वो क्या बात कर रहे हैं, माता जी कह रही है, गुलनास कह रही है, वी मस्ट गो टू बोर्डस द ग्रोजर, हमें बोर्डस के पास जाना चाहिए, जो कि एक पंसारी था। माता जी कह रही है कि हमें बोर्डस के पास जाना चाहिए, और बोर्डस एक पंसारी था। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर एंड पोटेटोज, और हमें उनसे कुछ चावल, फ्लोर यानी आटा, एंड पोटेटोज यानी आलू के बारे में पूछना चाहिए। टेल हिम, और उसे बताना, वी विल पे हिम इन ए फ्यू डेज, और उसे ये भी बताना कि कुछ ही दिनों के बाद हम उससे का भुगतान कर देंगे, यानी तुम्हें अब बोर्डर्स के पास जाना चाहिए और कुछ उधार में आलू आटा और चावल के बारे में पूछना चाहिए, और साथ में उसे ये भी बता देना कि कुछ ही दिनों के बाद में हम तुम्हारा भुगतान कर देंगे। द बॉयज सेबी कोट वॉज नॉट हेवी एनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउट साइड, सेबी यानी फटा हुआ और कोट यानी कोट, हेवी यानी भारी, एनफ यानी पर्याप्त, और आउटसाइड यानी बाहर की, और उस लड़के का फटा हुआ कोट बाहर की ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पर्याप्त भारी नहीं था, यानी जो लड़के को जो कोट पहना हुआ था वो फटा हुआ था और इतना भारी नहीं था कि जो बाहर की ठंडी हवाओं से उसका बचाव कर सके, इतना भारी नहीं था कि बाहर की ठंडी हवाओं से उसका बचाव हो सके। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग, और उसके पैरों में भी बहुत ज्यादा शक्ति, स्ट्रेंथ यानी ताकत या शक्ति, और उसके पैरों में भी बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी। इन हिज लेग्स यानी उसके पैरों में बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी। एंड हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल्स एज ही वॉक्ड, और जब वो चल रहा था तो उसने स्वयं को दीवार के सारे पाया, अर्थात उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बिना किसी सारे के चल सके। जब वो चल रहा था गली में तो वे दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। फाइनली आखिरकार ही रीच द स्टोर ऑन द हिल, और आखिरकार वे उस पहाड़ी पर, स्टोर यानी उस भंडारण में पहुंचा। जब वो पहाड़ी पर उस भंडारण में यानी उस दुकान में वो पहुंचा, और फिर उसी प्रकार से वो फिर यानी दीवार के सारे सारे चलता गया, और आखिरकार जब वो पहाड़ी के ऊपर उस किराना स्टोर में पहुंचा। एंड एंटर द वार्म रूम, और फिर उसने उस गर्म कक्ष में प्रवेश करने की कोशिश या प्रयास किया। ही
वेंटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर हैड लेफ्ट। और देखिए अब वो दुकान तक तो पहुंच गया था, एंड वेंटेड और उसने प्रतीक्षा की, अंटिल यानी जब तक, ऑल द अदर कस्टमर्स हैज लेफ्ट और उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि सारे ग्राहक, कस्टमर्स यानी ग्राहक, जब तक कि सारे ग्राहक लेफ्ट यानी चले नहीं गए, लेफ्ट यानी जाना या चलना। वो तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि सारे ग्राहक उस दुकान से चले नहीं गए, होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्रिवेंसी एंड टू एंजॉय द वार्म ए लिटिल लॉन्गर। ये आशा करते हुए कि शायद वे उस पंसारी से एकांत में, प्रिवेंसी यानी एकांत, ताकि वो उस पंसारी से एकांत में बात कर सके, एंड टू और एंजॉय यानी आनंद, वार्म यानी गर्माहट, लिटिल लॉन्गर यानी कुछ देर के लिए, और साथ में कुछ देर और के लिए गर्माहट का आनंद भी उसे मिल रहा था, या गर्माहट का आनंद लेने के लिए। अब वो बाहर से, कि उसका कोट बहुत ज्यादा भारी नहीं था, यानी तो उसको रास्ते में ठंड लगी थी, तो इसलिए वो चाह रहा था कि मुझे कुछ और देर तक कुछ गर्मी महसूस हो और मैं इस पंसारी से एकांत में बात कर सकूं, कि आशा में वो तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि अन्य ग्राहक वहां से नहीं चले गए। Then he left his palace by the fireside. और जब सारे ग्राहक चल गए थे, then यानी तब, he left his palace by the fireside. तब उसने अग्नि के पास का स्थान छोड़ा, and ordered a pound of rice, a pound of flour and a pound of potatoes. तो जैसे कि हमारे केजी, यानी केजी का मतलब जैसे हमारी यहाँ पर किलो बोला जाता है, तो वहां की जो ये वेट है वो है पाउंड में, यानी फिर उसने ऑर्डर यानी आदेश दिया, फिर उस बच्चे ने कहा पाउंड ऑफ राइस, एक पाउंड चावल, ए पाउंड ऑफ फ्लोर, एक पाउंड आटा, एंड ए पाउंड ऑफ पोटेटोज, और एक पाउंड आलू। ही पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट, और फिर उसने अपना हाथ पॉकेट यानी जेब, और अपना हाथ फिर जेब में डाला, एज ई रीचिंग फॉर हिज मनी, इस प्रकार जैसे वो पैसों की तलाश कर रहा है, एंड देन प्रिंटेड टू हैव लेफ्ट इट एट होम, प्रिंटेड यानी दिखावा या बहाना, और फिर उसने ये दिखावा किया कि मैं इसे घर पर भूल आया, लेफ्ट यानी छोड़ना, या मैं घर पर इसे छोड़ आया। देखिए उस बच्चे ने उस दुकानदार के पास जाकर के कुछ देर तो वो प्रतीक्षा करता रहा, और सारे जब कस्टमर चले गए तब उसने कहा था कि मुझे एक पौंड चावल और एक पौंड आटा और एक पौंड आलू चाहिए, और फिर जैसे ही दुकानदार ने ये सामान तैयार किया, पैक किया, तो फिर उस बच्चे ने अपने जेब में इस प्रकार से हाथ डाला जैसे वो पैसों की तलाश कर रहा है, और फिर उसने कहा या ऐसा दिखावा किया कि मैं पैसों को घर पर भूल आया, और वो अब आगे क्या बोल रहा है, ओ आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम, ओ ओ सीम, ओ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मैं इनको घर पर भूल के आ गया, यानी अब वो कह रहा है शायद मैं पैसों को घर पर ही भूल आया, ये बात बोली थी उस बच्चे ने। I had hate to have to go all the way home in this cold and come back again. और मैं इस प्रकार की ठंड में घर जाकर के वापस आने से नफरत करता हूँ, यानी इतनी ठंड में मैं वापस घर जाकर के वापस आऊं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और पैसे मैं घर पर भूल करके आ गया। राइट इट, इसे लिख लो, आगे बोल रहा है दुकानदार से, यानी तुम ऐसा करो कि सामान को लिख लो, यानी उधार में लिख लीजिए, एंड आई विल पे यू टुमारो, और मैं तुम्हें कल भुगतान कर दूंगा। तो देखिए इस, यानी कितनी चालाकी से उस बच्चे ने सामान खरीदने की कोशिश की। इट वॉज ए ब्रेव इफर्ट, ये एक बहादुरी भरा
प्रयास था, ब्रेव यानी बहादुरी और एफर्ट यानी प्रयास, ये एक बहादुरी का प्रयास था, यानी बहुत ही बहादुरी का काम किया था। देखिए उस छोटे बच्चे ने कितनी योजना बनाई थी कि शायद इस प्रकार से मुझे वो दुकानदार कुछ सामान दे सकता है। अगर सीधा मांगूंगा कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तब तो शायद हो सकता है दुकानदार मना भी कर सकता है। तो देखिए ये एक बहादुरी का प्रयास था। बट लेकिन द ग्रोजर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेन टू वेल, लेकिन पंसारी भी अच्छी तरह से तरीके जानता था। लेकिन जो पंसारी था वो भी यानी सामान बेचने के अच्छे तरीके जानता था, यानी उसको भी अच्छी तरीके से दुकानदारी करनी आती थी। नेक्स्ट फेज, फर्स्ट ब्रिंग द मनी देन यू कैन टेक द गुड्स, पहले पैसे लाओ तब सामान ले जाओ, ये बात बोली थी उस दुकानदार ने, यानी उस बोर्डस ने बात बोली थी कि पहले पैसे लाओ और फिर सामान ले जाओ। यू हैव बिकेम सो थिन, तुम बहुत ही दुबले पतले हो, यू हैव बिकेम सो थिन, तुम बहुत ही दुबले पतले हो। Someone यानी कोई, अगर किसी के पास या अगर किसी के पास घर पर पैसे हो, does not get so thin, तो वो इतना दुबला पतला नहीं होता। अगर यानी अब ये कह रहा है कि अगर किसी के घर पर पैसे होते हैं तो वो इतना दुबला पतला नहीं होता है, और तुम बहुत ज्यादा दुबले पतले हो, शायद तुम्हारे घर पर पैसे नहीं है। तो देखिए ये पता लगा लिया था उस दुकानदार ने, क्योंकि वो बहुत ही दुबला पतला था, और अब वो कह रहा है कि जिसके भी घर में पैसे होते हैं वो इतना दुबला पतला नहीं होता है। देखिए एक तो जैसे शारीरिक रूप से कोई दुबला पतला होता है, जैसे हम बनावटी में कोई दुबले पतले होते हैं, और जैसे कि एक मान लीजिए कोई जिसने 5 या 10 दिनों तक किसी ने खाना नहीं खाया, तो उसका शरीर देखिए थोड़ा अलग प्रकार से लगता है। दुबले पतले की बात नहीं हो रही है, हालांकि दुबले पतले तो होते हैं सब, ये नहीं कि जो भी खाना खाता है वो सब हष्ट पुष्ट होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लेकिन वो फिट होते हैं बिल्कुल, इधर यानी उनमें फुर्ती होती है। लेकिन अब वो बिल्कुल नर्वस सा था, तो इस प्रकार से उसने पता लगाया कि तुम तो बहुत ही यानी कमजोर से प्रतीत हो रहे हो। दूसरे भाषा में हम इस दुबले पतले का मतलब है कमजोर सा। द बॉय हरियड आउट, वो लड़का जल्दी से बाहर आया। एम्ब्रेस टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, एम्ब्रेस यानी शर्मिंदा, और अपनी गलती पकड़ने पर वो शर्मिंदा हुआ, और जैसे ही उसे पता चला, लाई यानी झूठ, और जैसे उसे पता चला कि जो मैंने झूठ बोला था दुकानदार ने उस झूठ को पकड़ लिया, तो फिर उसे स्वयं को शर्म महसूस हुई, यानी उसने स्वयं को शर्मिंदा पाया। He found the iciness of the street more unbearable than he had before the enters the store. और फिर उसने वो बर्फ सी ठंडी हवाओं को ऐसे नहीं महसूस पाया जितना कि दुकानदार उस दुकान में प्रवेश करने से पहले, यानी जब वो दुकान में प्रवेश करने से पहले अर्थात जब वो रास्ते में आ रहा था तब उसे इतनी ठंड नहीं लगी थी, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा उसे ठंड लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि अब उसकी आशाएं समाप्त हो गई थी। जब वो आ रहा था तब तो उसके मन में आशाएं थी कि शायद आज हमें कुछ खाने को मिलेगा, दुकानदार से हम कुछ सामान उधार में ले लेंगे और फिर हम भर पेट के कुछ खाना खाएंगे, ये आशा थी उसके अंदर, तब उसे इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अब वो आशा क्या हो चुकी थी? टूट चुकी थी। इसलिए अब ये कह रहा, देखो मोर अनबियरेबल, अब वो अधिक असहनीय हो गई, यानी जो ठंडी हवा चल रही थी वो अब अधिक असहनीय हो गई। एट द कॉर्नर, कोने पर, ही सा स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ द व्हाइट हाउस, फिर उसने देखा कि कोने पर उस सफेद मकान की चिमनी से धुआं निकल रहा था।
फिर उसने देखा व्हाइट हाउस की तरफ, जो व्हाइट हाउस की चिमनी से धुआं निकल रहा था। चिमनी का मतलब होता है यानी रसोई में वे बाग जहां से खाना पकाते हैं, और जो धुआं होता वो जिस स्थान के द्वारा बाहर निकलता है, जैसे कि रसोई में होता है चिमनी, यानी जो हमारा जो चूल्हा होता है उसके ऊपर जो बनाया हुआ होता है यानी दीवार में एक छेद सा होता है, तो उसे बोलते हैं चिमनी। और हमारी राजस्थानी भाषा में चिमनी का दूसरा भी मतलब होता है, तो वो चिमनी नहीं है। तो चिमनी का मतलब है कि जो व्हाइट हाउस की जो चिमनी थी उस चिमनी से धुआं निकल रहा था, और उस चिमनी से निकलते हुए धुएं को उस बच्चे ने देखा था और क्या सोचा था, हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट, इस घर में रहने वाले लोग कितने खुश हैं। I did not occur to him to be jealous of them. It did not occur to him. वो उनसे jealous यानी नफरत या डरना, वो उनसे नफरत नहीं कर रहा था। He had only admiration of for these people who had given him the best meal of his life. वे तो उन लोगों की प्रशंसा कर रहा था। Admiration यानी प्रशंसा। वे तो उन लोगों की प्रशंसा कर रहा था जिन लोगों ने उन्हें उनके जीवन का सबसे अच्छा भोजन की करवाया था। He walked home as fast as he could. वे घर वापस आते हुए जितना तेज वो चल सकता था उतनी तेजी से चल रहा था। जब वो वापस घर आ रहा था तब जितनी तेजी से वो चल सकता था उतनी तेजी से वो चल रहा था। His teeth chattering. उसके दांत किड़किड़ा रहे थे, यानी चैटरिंग यानी किटकिटाना, उसके दांत किड़किड़ा रहे थे। There was no need to say anything to his mother and brother. There यानी वहां, no need यानी कोई जरूरत नहीं, वहां अपने माताजी और भाई को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। यानी जैसे वो घर पहुंचा तो माताजी और अपने भाई से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। His empty hands told their own story. उसके खाली हाथों ने स्वयं की कहानी बता दी। जैसे ही यानी उसकी माताजी ने उस बच्चे के खाली हाथ देखे, यानी ये देखा कि बच्चे के हाथ में सामान नहीं है, तो वो सब समझ गए कि दुकानदार ने उधार में देने से मना कर दिया होगा, यानी फिर कोई शब्द बोलने की वहां पर आवश्यकता नहीं पड़ी। He took off his clothes. उसने अपने वस्त्र उतारे and went to his bed. और बिस्तर पर चला गया। And when he spoke. और जब उसने बोला, he said, उसने कहा, I am cold. कोल्ड यानी ठंड, मुझे ठंड लग रही है। और कुछ नहीं बोला था, जैसे ही कोट वगैरह थे उसके पहने हुए वो वस्त्र उतार करके वो अपने बिस्तर पर चला गया। और कुछ देर बाद वो जब वो बोला तो उसने एक ही बात बोली थी, मुझे ठंड लग रही है। द ब्लैंकेट्स रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी। कंबलों को उठा करके उसके ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए, और बॉडी यानी शरीर, कमलों को उठा करके उसके कांपते हुए शरीर के ऊपर डाल दी गई। गुलनाज पिल ऑन हिम, गुलनाज ने उसके ऊपर ढेर लगा दिया। व्हाट एवर सी कुड फाइंड, जो भी उसे मिला, गुलनाज को जो भी मिला था घर में कोई भी सामान, वो उस सामान को बच्चे के ऊपर डाल दिया। जैसे जो कोई भी कपड़े या जो कोई बिस्तर वगैरह जो भी मिला था वो सब उसके ऊपर डाल दिए और एक मानो ढेर सा लगा दिया है। The trembling lasted for nearly 2 hours. Trembling यानी कंपकंपाना, यानी कांपना। जो बच्चा कांप रहा था उस बच्चे की वो कंपकंपी लगभग 2 घंटे तक रही, यानी वो बच्चा 2 घंटे तक कांपता रहा। Then came the fever and exhaustion. और तब उसे बुखार और
थकावट महसूस हुई। अब और उसके बाद में फिर बच्चे को बुखार भी आ गया था और उस बच्चे को काफी ज्यादा एक्सोसेंस यानी थकावट, और फिर उस बच्चे को बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस हो रही थी और उसको बुखार भी आ गया था। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, वो बच्चा पीठ के बल से मोशनलेस गतिहीन, यानी वो बच्चा गतिहीन पीठ के बल लेटा हुआ था। हिज आईज स्टार्टिंग वेसेंटली, उसकी आंखें केवल घूर रही थी। गुलनास लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राई टू कूल द बर्निंग बॉडी विथ हर कोल्ड हैंड्स। गुलनाज ने उसके ऊपर कवर्स यानी जिनसे उसको ढका गया था उस वस्त्रों को वापस हटाती है, लिफ्टेड यानी ऊपर उठाती है। एंड ट्राई टू कूल द बर्निंग बॉडी, और उस का जलता हुआ शरीर को अपने ठंडे हाथों से शांत करने की या ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। सी पेस थ्रू द हाउस टिल इवनिंग, वह शाम तक वैसा ही रहा। डेस्परेटली, फिर निराशाओं से, सी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वह नहीं जानती थी कि अब वे क्या करें, फिर वो नहीं जानती थी कि अब मैं क्या करूं। सी कुड नॉट थिंक, वे कुछ नहीं सोच पाई। द सन वेंट डाउन, सूरज अस्त हो गया, अर्थात दिन ढल गया यानी अब रात होने लगी थी। सी नोटिस द स्मॉल पिल ऑफ कवर्स सी हेड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी, नोटिस यानी ध्यान दिया, फिर उसने ध्यान दिया द स्मॉल पिल, स्मॉल यानी छोटा और पिल यानी ढेर और कवर्स यानी जो वस्त्र थे। फिर उसने ध्यान दिया कि उस बच्चे के शरीर पर डाले गए वस्त्रों का एक छोटा सा ढेर बन गया। वुड नॉट देयर बी एनी बडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट, क्या कोई वहां ऐसा नहीं है जो इन सब के बदले कुछ पैसे दे सके। जैसे ही उसने वापस उस बच्चे के ऊपर से वो कपड़े हटाए थे और एक जगह पर रखा था तो उन वस्त्रों का एक ढेर सा बन गया था। और फिर उसको दिमाग में आया या फिर उसने ध्यान दिया कि ये इतने वस्त्र हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन इतने वस्त्रों के बदले हमें कुछ या थोड़े से पैसे दे सके। ऐसा विचार उस गुलनाज के मन में आता है कि शायद ये सारे वस्त्र मैं बेच करके बेच देती हूँ और शायद इसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाए। तो सी रिमेम्बर, फिर उसे याद आया या उसने याद किया देट हर नेबर्स कि उसके पड़ोसी हेड टाक ऑफ जंक स्टोर, जंक यानी कबाड़ा या कबाड़ी, कबाड़ा या कबाड़ी का स्टोर। फिर उसे याद आया कि उसके पड़ोसी एक कबाड़े के बारे में बात कर रहे थे। वर जहां दे बॉट यूज्ड थिंग, जहां वे पुरानी वस्तुओं को बेच या खरीद सकते हैं। फिर उसे याद आया था कि उसके पड़ोसी एक कबाड़े की दुकान के बारे में बात कर रहे थे जहां पर हम काम किए यानी काम में ली हुई वस्तुओं को बेच सकते हैं। तब उसे याद आया कि मुझे भी इन वस्त्रों को उस कबाड़ी की दुकान में बेच देंगे और शायद हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। बट लेकिन इट मस्ट बी क्लोज, लेकिन अब तो ये शायद बंद हो गई होगी क्योंकि देखिए पहले बोला था द सन वेंट डाउन कि सूरज अस्त हो गया था यानी अब दिन ढल गया था। और फिर उसे याद आया कि शायद अब तो ये दुकान भी बंद हो गई होगी। सी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, और अब उसे सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। ये विचार रोजमंड के दिमाग में अब आया था। विथ दिस डिसीजंस केम पीस ऑफ माइंड, डिसीजन यानी निर्णय, इस निर्णय से उसके मस्तिष्क में थोड़ी सी के पीस यानी शांति हुई। जैसे ये निर्णय उसने लिया तो उसके दिमाग में थोड़ी सी शांति हुई। एंड सी स्टॉप्ड पेसिंग एंड सेट डाउन बाय हर सन्स बिसाइंड, तो वह अपने पुत्रों के बगल में शांति से बैठ गई। द बॉयज फीवर इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड यानी वृद्धि होना या बढ़ना, लेकिन बुखार में
और ज्यादा वृद्धि हुई, अर्थात बुखार और ज्यादा बढ़ गया। यानी जो बच्चा बुखार में था उसका बुखार कम नहीं हुआ था बल्कि उसका बुखार और ज्यादा बढ़ गया। सी सेट स्टेइंग, वे केवल उसको घूर रही थी, वे केवल बैठ करके उस बच्चे को घूर रही थी। मोशनलेस, गतिहीन तरीके से, केवल एक स्थान पर बैठी हुई उस बच्चे को घूर रही थी। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, छोटा बच्चा भूख के कारण सो नहीं पाया। ही टू वाज वाचिंग, वे भी उसे देख रहा था। ही टू यानी वह भी, यानी छोटा बच्चा भी उसे अपने बड़े भाई को देख रहा था। His eyes open. The sick boy mourned slowly and toasted and turned in his favor. Sick यानी बीमार, वे बीमार बच्चा मौन यानी बड़बड़ाया, slowly यानी धीरे से, वो बीमार बच्चा धीरे से बड़बड़ाया और बुखार में या बुखार के कारण उसने अपनी करवटें फेर ली। His cheeks were burning, उसके गाल जल रहे थे, यानी उसके गाल बहुत ही ज्यादा गर्म थे। And he tugged in delirium, और वे नींद में बुदबुदा रहा था, यानी वो नींद में अब बोल रहा था। जैसे मान लीजिए, देखिए कोई बीमार होता है तो उसको हल्की सी, यानी वो पूरी तरह से शांति से नींद नहीं लेता है वो, यानी जैसे हम बोलते हैं बड़बड़ाना, तो वो नींद में अब बड़बड़ा रहा था यानी बुखार के कारण। द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड, छोटे वाला बच्चा अपने बिस्तर पर बैठ गया। एंड आस्क इन ए वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर, और केवल माँ तक आवाज सुनाई देने वाली आवाज में उसे पूछा। अब देखिए वो इतने धीरे से बोल रहा था कि केवल ऑडिएबल यानी सुनाई देने योग्य, केवल माँ के द्वारा ही वो आवाज सुनी जा सके, यानी उसने बहुत ही धीरे से माताजी से पूछा। अब ऐसा क्यों, उसने देखिए क्या पूछा था माताजी ने, मदर विल माय ब्रदर डाई, माताजी क्या मेरा भाई मर जाएगा। जैसे ही ये पर्सन छोटे बच्चे ने माँ से पूछा, अब देखिए गुलनाज पर क्या होती है, See, shivering as if touched by a cold wind over her skin. वे ऐसे shivering यानी कांप उठना, वे ऐसे कांप उठी जैसे मानो उसकी त्वचा को ठंडी हवाओं ने छू लिया। जैसे मान लीजिए आप आराम से बैठे हो और अचानक कोई आपके ऊपर पानी गिरा दे, एकदम ठंडा पानी, आप जैसे एकदम चौंक उठते हो, उस प्रकार से वो एकदम कांप उठी गुलनाज कि ये एक पर्सन कैसा पूछा, यानी वो कांप उठी जैसे बोला क्या मेरा भाई मर जाएगा। तो गुलनाज मानो ऐसे कांप उठी जैसे उसकी त्वचा को ठंडी हवाओं ने छू लिया हो। सी लुक एट हर सन विथ फ्राइटेड आईज, वे डरती हुई निगाहों से अपने पुत्र की तरफ देखा और पूछा, Why do you ask that? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, यानी तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर ए मोमेंट, वो एक क्षण के लिए तो बच्चा शांत था। देन ही लीन्ड क्लोज हर ईयर एंड सेड सॉफ्टली, फिर वे उसके कान तक गया और बहुत ही धीरे से कहा, ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर, और अपने भाई से आवाज को छिपाने की कोशिश करते हुए, ताकि जो बोल रहा है वो अपने भाई तक आवाज ना जाए। बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द व्हाइट हाउस, ताकि व्हाइट हाउस यानी उस सफेद घर से खाना आ सके। उसने कहा कि अगर भाई मर जाएगा तो उस सफेद घर से हमारे लिए खाना आएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्या हमारा भाई मर जाएगा, क्या मेरा भाई मर जाएगा। तो ये बात बोली थी उस छोटे बच्चे ने। तो ये हमारा अध्याय था 6, फीस्ट ऑफ द डेड, मर्त का भोजन।